सो हाय गाइस, कसे आहेत? मस्त ना, मजेत ना? मी अभिषेक करात आज तुमच्यासाठी एक नवीन ब्लॉग घेऊन आलोय माझ्या युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे अभी वी देखे ट्रॅव्हलिंग। मी ऍक्च्युली ट्रॅव्हलिंग ब्लॉग बनवतो, पण आज असंच मला खूप जणांनी डीएम केला इन्स्टावरती आणि फेसबुकवरती की दादा तुझ्याकडून आम्हाला मीम्स बघायचे, तू मीम्स कसा इंट्रोड्यूस करतो, मीम्स व्हिडिओ कसा बनवतो। सो मी आज मीम्स व्हिडिओ बघणार आहोत। सो त्या ओरिजिनल व्हिडिओची मी लिंक आहे ना माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेल। आणि चला, जास्त काही नका बोलून आपण आज काहीतरी वेगळंच करूया आणि मजा घेऊया, कारण मीम्स एकदम मस्त होणार आहे। थोडस हेडफोन लावा म्हणजे, नाहीतर मम्मीला ऐकायला येईल आणि पप्पांना पण ऐकायला येईल आणि मग तर झालं। मग म्हणून म्हणतो हेडफोन लावा, एक नंबर मजा येणार। ओके चला बघू पुढचं वेळ। है पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। थैंक यू। किताब खुला है लेकिन फोन चल रहा है। इनके पिताजी भी देखिए, इनके पिताजी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे कि आप लग रहा है अब सीनियर भी हैं सबसे, पिताजी भी हैं, तो हमें यह बताइए कि इन लोग को ये कहते नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई करो? जी बहुत समझाता हूँ कि पढ़ें लेकिन पढ़ते ही नहीं है। पढ़ाई नहीं करते? तो बेटा कौन है आपका? ये कि वो बेटा नहीं है कोई, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। अभी और सुनिए, आप खुद एस्पिरेंट है, खुद तैयारी करते हैं? जी। कब से कर रहे हैं तैयारी? 12 साल हो गए। 12 साल से? जी। इतना में तो बच्चा पैदा करते, उसको यूपीएससी करवा के आईएएस बनवा देते। तो क्या लगता है इस बार का क्या सीन है? इस बार निकाल देंगे पक्का। इस बार निकाल लीजिएगा पक्का? दे देखिए मोटिवेशन देखिए। अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है यूपीएससी में? सब्जेक्ट कुछ होता है ना, लेते हैं क्या सब्जेक्ट है? मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी, देखिए इनका ज्योग्राफी सब। अच्छा तभी इधर देखिए, मैप वैप लगा रखा इतना है। ये मैप इन्होंने यहाँ पे दीवार के रंग से ज्यादा आपको यहाँ पे मैप दिखेगा, ताकि ये जो जगह है ये सब पूरी तुम्हारा मैपिंग हेलो गाइस, वेलकम टू पीपीआर प्रैंक। आज संडे था तो हमने सोचा आप लोग के लिए क्यों ना एक अमेजिंग वीडियो बना ली जाए। तो आज हमने अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाया है, वो वहाँ पे बैठकर बात कर रहा है और उसके साथ हम प्रैंक करने वाले हैं कि तू मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या ऐसा कर रहे हो। ठीक है चलो, तुम ऐसे छुपा लेना शर्ट में, पता नहीं चलना चाहिए। हाँ यार छोड़ो यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? मतलब तुम उसके साथ हो गए यार, हमको तुम सोचो कि हमको पता नहीं चलेगा यार। अरे यार क्या क्या होता है यार, मतलब दोस्ती में तुम लोग ऐसा ऐसा यार। भाई बुरा मत मान, मैं बताने वाला था यार भाई। ओ शिट, ये प्रैंक हो गया ना। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, कच्चा बादाम से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आप ऐसा क्या करती हैं जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं और इतने ज्यादा व्यूज आते हैं। हम लोग मुझे प्यार करते हैं। आर यू कॉमेडी मी? और जो मैं करती हूँ शायद वो उसी के लिए मुझे फॉलो करते हैं। तो हम देखेंगे कि आप करती क्या हैं। प्लीज प्ले द रील। नो 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 नो, ये क्या है अंजलि? जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप करती क्या है, ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था। ये इसको कह सकते हैं, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन, मैं खामोखा। आप ये जो खामोखा गिरी करती है, गजब बेइज्जती है। अनुज तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। Actually, I love you. पर हम पिंपल वाली लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाते। पर मेरे फेस पर तो पिंपल है ही नहीं। हम फेस का बात थोड़ी किए हैं। तू समझा? पिंपल नहीं था, माला पहन के आए हो। ओहो
लेटेस्ट बाबा बाबा कामदेव ची कॉपी वाटत सब क्या अभी रॉकेट टाइट हो जाएंगे अभी ए दुस्तने बाबू समझ रहे हो समझ रहे हो अरे रुको जरा सबर करो दी नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग श्री पिताजी जी वो जो नई लड़की है चंचल उसके ब्लड रिपोर्ट में एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ क्या बोला तूने एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट खत्म खत्म गया क्लास गया बिहार में सुशासन की सरकार है मानते हैं जी जी है है बिल्कुल है क्यों है तो कंफ्यूज है अबे जल्दी बोल क्यों का जवाब नहीं है ना नहीं है बस सुशासन की सरकार है क्यों है नहीं पता बिहार में है सुशासन की सरकार बहुत अच्छा सरकार है बिहार में क्या नाम है भैया क्या नाम है भैया गजब बेइज्जती रोशन कुमार रोशन कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है क्या कहेंगे लौड़े की सरकार कैसी लगी चली राख कर लो भैया बोली दे चला राख कर लो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हारे पास का गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है जाके दूसरों के लिए ओयो में रूम बुक करना सीखो बार बार चले आते हो बाबा मुझे तुम्हारी इंसल्ट करके तुमको बाहर निकालना पड़ता है मिस्टर जाटू सिंगल से ऐसे बात करते हैं क्या भैया इस लड़के का फ्लर्टिंग स्किल बिल्कुल जीरो है इसे लड़की की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है आप खुद ही देख लीजिए अच्छा बताओ घर वालों से छिपके पीसी में फोन कैसे देखे मिस्टर जाटू अब जान बुझ के इसको नीचा दिखाने के लिए टॉप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे पहले तुमका दरवाजा बंद करो फिर गूगल क्रोम पे क्लिक करके राइट कॉर्नर पे कम्युनिकेट ऐप पे क्लिक करो फिर वहाँ पे अपनी मन पसंद वीडियो सर्च करो आप फोन करके मुझे मार लेंगे सर ये बढ़िया था एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सब आगे लाइक और शेयर ठोक दीजिए आपने चैनल अपन करा पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं सो गाइस हा वीडियो इथेच एंड झालेला आहे तर तुम्हाला हा वीडियो कसा वाटला तर तुम्ही लाईक कमेंट मध्ये कमेंट्स करून आणि लाईक्स आणि व्हिडिओ शेअर करा जास्त जास्त होईल तेवढं आणि भावाला सबस्क्राईब बटनचं बेल आयकॉन प्रेस करून काय असेल ते तुम्हाला आता माझं पण डोकं नाही चालायचं मी काय बोलू कारण मी विचार करतोय त्या मीम्स वरती अजून विचार करतोय काय काय अजून डोक्यातच आहे माझ्या सो मी तो विचार करतोय अजून हसण्यासारखं भरपूर आहे म्हणून मी हसतोय म्हणजे मनात असतोच आहे मी म्हणून मला बोलायला काय भेटत नाही सो ठीक आहे पुढच्या वेळेस अजून एक असा व्हिडिओ आणेल मी तुम्ही कमेंटमध्ये मला असं कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करा आणि सांगा काय करा म्हणजे पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणते मीम्स बघायचे आहेत सो त्याप्रमाणे मी व्हिडिओ मीम्स घेऊन येईल तुमच्यासाठी सो थँक्यू गाईज असंच फॉलो करा मला इंस्टाग्रामवरती पण मी माझी इंस्टाग्रामची लिंक टाकलेली आहे फेसबुकची पण लिंक टाकली आहे तिथे जाऊन फॉलो करा आणि मला डीएम करा काय असेल तुम्हाला तर मी माझा पुढचा प्लॅनबद्दल पण मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेलच की मी आता पुढच्या वेळेला ट्रॅव्हलिंग ब्लॉगला जाणार आहे नक्की तो जाणारच आहे शक्यतो सो मी ते पण व्हिडिओ तुम्हाला अपलोड करून दाखवेल सो चला थँक्यू धन्यवाद जय महाराष्ट्र